एके गुप्ता रिपब्लिका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम सब वर्क एंड टाइम में देखेंगे, जो पिछले बार कुछ रह गया था वो क्वेश्चन को हम सब समझेंगे। तो यहां तक हो चुका था आपका, तो यहां से चलते हैं। विकास को प्रत्येक दिन काम करने के लिए 350 रुपया मिलते हैं, उसे कितना मिलता है प्रत्येक दिन? 350 रुपया। तो 31 दिन में वह इतना रुपया कमाता है, 9,800 रुपया कमाता है। तो उस काम टोटल उसे कितने दिन काम करना पड़ा हो? तो 31 दिन का यहाँ का कोई बात नहीं लेना है, ध्यान में नहीं रखना है, अनवांटेड डेटा है। और आगे हम सब देखते हैं। तो वह जो है एक दिन में जो है वन डेज का जो है उसका जो है पैसा उसे कितना मिलता है? 350 रुपया। तो वो टोटल कितना कमाता है? अगर हम टोटल डेज निकालना चाहें कि वह विकास कितने दिन काम किया टोटल डेज, तो वह कैसे निकलेगा? टोटल डेज निकालने के लिए वो उसका जो लास्ट में उसे मिला 9,800 रुपया, और वो 350 रुपया से अगर हम डिवाइड कर दें तो यही आंसर होगा कि 0,0 से कटा, 7 से काटेंगे 7×5=35, 7 से काटेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे जो है 14×14=98 और 0, और यहाँ से जो है फिर से काट देंगे तो यहाँ पे 2 और 1, यानी 28 दिन वह काम किया। कितना टोटल दिन काम किया? 28 दिन काम किया विकास। अगले क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु उसने अपने पुत्र के सहयोग से उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लिया। उसका पुत्र उस अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब यहाँ पर जो है निकालना है, एक पिता जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, बेटा और पुत्र दोनों, पिता और बाप बेटा दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। तो बेटा सोच रहा है कि अगर हम पापा का साथ नहीं रहता तो कितने दिन में पूरा कर लेते। तो चलिए हम सब जल्दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिता जो है 10 दिन में, पिता और प्लस पुत्र दोनों मिलकर जो है 8 दिन में, दोनों का एफिशिएंसी लेंगे कॉमन संख्या तो 40 होगा, ठीक है? तो कॉमन संख्या लेंगे, लघुत्तम समवर्तक लेंगे, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। अब बेटा का निकालना है एफिशिएंसी, तो ये जो है 5+7 है तो इसको फादर का माइनस कर देंगे, ये जो है यहाँ पे प्लस बेटा का प्लस माइनस फादर एफिशिएंसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 5 है, और सिर्फ फादर का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो बेटा का जो है सन का एफिशिएंसी ऑलरेडी निकल जाएगा, सन का एफिशिएंसी ऑलरेडी निकल जाएगा आपका। तो यानी जो है बेटा जो है एक दिन में जो है सन जो है एक दिन में जो है एक काम करता है, तो 40 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? तो एक दिन में एक काम, तो 40 दिन में 40 काम, यानी जो है 40 काम करने के लिए उसे 40 दिन लगेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की, एक जोड़े मेज को 3 दिन में बिन सकता है, बी एक जोड़े मेज को 6 दिन में बिन सकता है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर बिनना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों में वे दोनों दो जोड़े मेज बिन लेगा? यानी जो है ए जो है 3 दिन में एक जोड़ा बिन सकता है, बी जो है 6 दिन में एक जोड़ा बिन सकता है। दो अगर हम ए दोनों का एक कॉमन संख्या ले तो 6 होगा, यहां 2 और यहां पर 1, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? ए का 2 और इसका जो है 6 का है, टोटल काम जो है 6 है। तो अब जो है टोटल का दोनों का एफिशिएंसी प्लस निकालेंगे ए प्लस बी, तो 2+ तो इसका एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो 2+1 तो एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 3 होगा।
और इसको जो है अगर टोटल काम 6 है तो 3 काम करेगा, तो हुआ 6 काम को हुआ 2 दिन में पूरा करेगा। लेकिन यह जो है 2 दिन में किसका निकल रहा है, एक जोड़ा मेज को, एक जोड़ा मेज 2 दिन में पूरा कर लेगा, एक जोड़ा मेज 2 दिन में, एक जोड़ा है, कितना जोड़ा है 2 दिन में एक जोड़ा, तो 2 जोड़ा कितना यहाँ पर बात कर रही है 2 जोड़ा का, तो 2 जोड़ा कितने दिन में, एक दिन में एक जोड़ा, एक 2 दिन में एक जोड़ा, तो 2 जोड़ा कितने दिन में, तो 4 दिन में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिला उसी कार्य के कार्य को 18 दिन में पूरा करती है, तो 10 पुरुष और 8 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों, आगे हम सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12 पुरुष क्या निकालेंगे, 12 पुरुष, तो 12 पुरुष का 12 मैन है, 12 मैन है, 18 दिन में पूरा करता है, तो एक मैन 18/12, ठीक है। तो एक मैन क्या होगा 18/12, तो उसी तरीका से अगर हम सब चलेंगे अब जो है एक मैन, तो उसी तरीका से 10 मैन क्या हो जाएगा 18/12/10। उसी तरीका से अगर हम वुमेन में चलेंगे 12 वुमेन, लेकिन 12 वुमेन क्या दे रहा है 1/ इतना भाग को काम करने में लगाता है, तो टोटल काम को उसे करने में कितना लगेगा, तो टोटल काम को उसे करने में समय लगेगा यानी 1/4 भाग, और तो 12, तो वह जो है यहाँ पर देख लेंगे 1/4 जो है वह इतना काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो x काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो 6, तो उसको जो है यहाँ पर अगर हम निकालेंगे x काम, तो वह जो है 24 दिनों में पूरा करेगा। अकेले कितने 12 वुमेन कितने दिन में पूरा करेगा, 12 वुमेन उस कार को 24 दिनों में पूरा करेगा, टोटल काम को 24 दिन में पूरा करेगा, तो एक वुमेन तो 12 गुने 24, और उसी तरीका से जो है 8 वुमेन निकालना है, तो 8 वुमेन आपका जो है 24/12/8, तो इस तरह से आपका जो है 8 वुमेन इतना डेज में और 10 मैन इतना डेज में, लेकिन दोनों मिलकर, तो फिर जो है वही एफिशिएंसी का खेल है। आप अगर यहाँ से एफिशिएंसी कट करेंगे, आप पूरे जो है इसको प्रोसेस बनाएंगे, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसके लिए हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो है आपका आंसर बी होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, डेट्स ऑल।